हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो जिसमें हम जानेंगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के बारे में, जिसके अंतर्गत पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे कि वो क्या है, कैसे है, किस तरह से है और उसमें कितने अध्याय हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं, चाहे वो एक्ट से रिलेटेड हों, चाहे वो एमसीक्यू से रिलेटेड हों, उन सभी को भी आप ज़रूर देखिए। उन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज़रूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जानेंगे हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 को। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। और यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभ उठाते रहें ऐसे ही वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है वह राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय न्यास है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल, मैंने आपको कई बार बताया है कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी होता है तो अगर वो कोई मंत्रालय आता है तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना यानी किसकी, जो हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, इसकी स्थापना ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन और बहुदिव्यांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम या राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जिसे हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहते हैं, 1999 के तहत की गई। इसमें यानी कि इन चार प्रकार के विकलांगताओं का भी साथ में नाम आएगा तभी इसका फुल फॉर्म पूरा होता है। नेक्स्ट कि अधिनियम को 30 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, यानी कि जो प्रेसिडेंट की पूर्णतया वहां से रिसीव हो गया और फाइनली ये हो गया कि 30 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति द्वारा भी पूरी तरीके से सहमति मिल गई कि अभी से आप रिसीव कर लीजिए और इसे चालू कर सकते। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगों एवं उनके परिवारों की क्षमता के विकास हेतु अवसरों उपलब्ध कराने का कार्य करता है ताकि उनके अधिकारों की पूर्ति हो तथा एक समावेशी समाज एवं समर्थ युक्त वातावरण के सृजन को प्रोन्नत एवं सहयोग प्रदान किया जा सके। यानी कि जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, जो दिव्यांग बच्चे हैं और साथ ही साथ उनके परिवारों की क्षमता के विकास हेतु भी विभिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटीज को अवेलेबल कराता है ताकि सभी की अधिकारों की पूर्ति हो सके और एक बेहतर समावेशी समाज का निर्माण भी हो सके और एक बेहतर वातावरण का सृजन हो सके। क्योंकि जब तक माता पिता एम्पावर्ड नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि जब तक हमारे खुद के माता पिता या डिसेबल्ड बच्चों के माता पिता एम्पावर्ड नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक डेवलपमेंट संभव नहीं है। क्योंकि अगर घर के ही लोग एक्सेप्ट ना करें, समझे ना, जाने ना उनके लक्षणों को, उनकी विशेषताओं को, उनके अधिकारों को, तो सीधी सी बात है डेवलपमेंट रुक जाता है। फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि दूसरे लोग तभी डेवलप करते हैं जब आपके द्वारा एक्सेप्टेंट हो। नेक्स्ट है कि अधिनियम में कुल 9 अध्याय और 36 खंड दिए गए हैं। यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। कितने सेक्शंस हैं? 36 सेक्शंस हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम इसके तहत, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, स्कीम्स कौन कौन सी चलती हैं। निम्नलिखित योजनाएं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में शामिल है, कौन कौन सी शामिल है हम देखते हैं। सबसे पहला है दिशा, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडिनेस स्कीम से रिलेटेड है ये,
जिसको हम शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी की योजना कहते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शीघ्र हस्तक्षेप किया जा रहा है, कैसे शुरुआती दौर में बच्चों को डेवलप किया जा रहा है ताकि आगे के लिए उनका बेहतर तत्पर बनाया जा सके। दूसरी योजना है विकास, यानी कि डे केयर, जिसे हम कहते हैं दिन में देखभाल। आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से बच्चों के देखभाल के लिए सुविधाएं हैं, किस तरीके से उनके विकास से संबंधित। तो ये हमारी दूसरी योजना है। तीसरी योजना है समर्थ, यानी कि राहतकारी देखभाल, यानी कि रेस्पिट केयर। देखिए किस तरीके से बच्चों को समर्थ बनाया जाता है, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी को बेहतर बना करके, उनसे एक्टिविटी के माध्यम से उनका डेवलप करके उनको समर्थ बनाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है घरौंधा, जिसके वयस्कों के लिए सामूहिक गृह, यानी कि ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स। तो ये घरौंधा से रिलेटेड है। देखिए आपके सामने इमेज है कि कैसे, देखिए सिलाई से, यानी कि वोकेशनल स्किल से रिलेटेड यहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जाता है वयस्कों के लिए। तो ये घरौंधा स्कीम योजना से रिलेटेड है, जो कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की चौथी योजना है। पांचवी देखिए निरामया, जिसे हम कहते हैं निरामया कहते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। आप देख सकते हैं तो किस तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या उनके माता पिता होते हैं, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे बच्चों को सशक्त बनाया जाए, किस तरीके से उनका जो इंश्योरेंस किया जाए, ये इससे संबंधित योजना है। नेक्स्ट है सिक्स जो योजना है सहयोगी, यानी कि देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना, यानी कि केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम, ये इससे रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक केयर गिवर देखभालकर्ता की ज़रूरत है, जिसे प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके अंतर्गत एक योजना है जिसको हम सहयोगी कहते हैं, जो कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत चलती है। देखिए नेक्स्ट क्या है ज्ञान प्रभा, शैक्षणिक सहयोग, एजुकेशनल सपोर्ट के लिए। ज्ञान प्रभा के अंतर्गत हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जब तक ये डेवलप नहीं होगा तब तक जो एजुकेशनल सपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि हालांकि उस समय का ध्यान रख करके प्रेजेंट टाइम में देखें तो टोटल डिजिटल इंडिया है, और नॉट ओनली ऑन कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा से संबंधित उपकरण है उनको कैसे चलाया जा सकता है, कैसे उन पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है, इनको दे करके ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेरणा, यानी कि विपणन सहयोग से संबंधित है, या मार्केटिंग असिस्टेंट से संबंधित है, कि किस तरीके से हम एक प्रेरणा जो योजना है जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत चलती है, देख सकते हैं आप इमेज में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो मार्केटिंग असिस्टेंस बनाया जाता है, कैसे सहयोग किया जा सकता है, तो इससे संबंधित भी ये एक आठवीं योजना है। नेक्स्ट नौवीं देखिए संभव, ये भी एक राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत योजना है, सहायक सामग्री और सहायता उपकरण से संबंधित है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से टूल्स की आवश्यकता है, उनको किस तरीके से एडॉप्टेशन की आवश्यकता है, किस तरीके से उनको कैसे कैसे असिस्टिव डिवाइसेस की आवश्यकता है, डिपेंड करता है कि वो चार प्रकार की जो डिसेबिलिटीज हैं, ऑटिज्म, सीपी यानी कि सिरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता, और यह मल्टीपल डिसेबिलिटी बहु दिव्यांगता। तो इन चार प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए ये सहायक सामग्री और सहायता उपकरण से संबंधित भी योजना है। और दसवीं है और अंतिम बढ़ते कदम, यानी कि जागरूकता एवं समुदाय से मेलजोल खाता हुआ, कि किस तरीके से, देखिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट एम्पावरमेंट तभी किया जा सकता है अच्छे से जब अवेयरनेस हो। जब बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होगी तो हमें पहले, देखिए सशक्तिकरण का एक बेसिक माध्यम है अवेयरनेस करना। जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक हम सशक्त नहीं हो सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज इसीलिए आज भी दिव्यांग लोगों को भी बहुत सारे ऐसी क्षेत्र है जहां पर हेय दृष्टि से देखा जाता है, आज भी उनके लिए समुदाय में उतनी जो प्रैक्टिकली रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद हैं तो उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए ट्रेंड व्यक्ति चाहिए होता है। तो ये हम स्कीम्स हैं जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत थी, और ये 10 स्कीम है उसके अंतर्गत चलाई जाती हैं। अब देखते हैं हम चैप्टर्स में आते हैं।
हमने पढ़ा था कि इसमें चैप्टर्स होते हैं, 9 चैप्टर्स हैं, 36 जो सेक्शंस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो चैप्टर 1 है जो कि प्रारंभिक के नाम से जाना जाता है, प्रिलिमिनरी के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत क्या कही गई है? देखिए इसके अंतर्गत जो डेफिनेशंस वगैरह हैं इसकी बात की गई है कि न्यास का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय न्यास का क्या अर्थ है। तो इसके अंतर्गत हम देखिए अक्षमताओं की भी बात की गई है कि आखिर जो चैप्टर 1 है उसमें कौन कौन से डिसेबिलिटीज हैं, कितनी डिसेबिलिटीज हैं। तो 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है, जिसमें स्वलीनता जिसे हम या स्वपरायण कहते हैं, या दूसरा प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, तीसरा मानसिक मंदता, या चौथा बहुविकलांगता। तो ये 4 प्रकार की विकलांगताओं को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इनकी हम थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्वलीनता या स्वपरायणता है वो क्या है? देखिए स्वलीनता किसे कहते हैं हम, कि स्वपरायणता या ऑटिज्म का अर्थ है असमान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और बारंबारता मूलक और विधिवादी व्यवहार से चिन्हित होती है। तो ये हमारा स्वलीनता की परिभाषा है इसके अकॉर्डिंग, कि जो हमारा असमान निपुणता, मतलब इसको कहते हैं कि जो हमारा जो एबिलिटीज होती है, जो मास्टरी होती है, जो हमारा स्किल होता है वो क्या है, असमान है, अब नॉर्मल है, एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं होता है उसकी स्थिति। इसके द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन बिहेवियर है, जो सोसाइटल एबिलिटीज है, सोशल एबिलिटीज है, उसको प्रभावित करती है, क्योंकि स्वप्राणता में स्वयं बच्चे खोए रहते हैं जिसके कारण से ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये इसके अनुसार परिभाषा है। दूसरा क्या आता है, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि घात या सेरेब्रल पॉल्सी का तात्पर्य एक व्यक्ति की गैर प्रगतिशील स्थितियों के समूह से है जो असामान्य मस्तिष्क अनादर या चोटों के फलस्वरूप असामान्य मोटर नियंत्रित और स्थिति द्वारा विशेषीकृत होती है, जो प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन या विकास के शैशवकाल में घटित होती है। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके किसी एक भाग में, जिसे हम मस्तिष्क का लकवा भी बोलते हैं, कहीं प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बॉडी कंट्रोल होता है, जो उसमें दिक्कत करता है। नेक्स्ट है मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन। कहता है कि मानसिक मंदता का अर्थ है व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति जो बुद्धि की अपसामान्य यानी कि सब नॉर्मलिटी की बात कर रहा है, स्थिति द्वारा विशेषीकृत होती है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, इसका जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण से वह असमानता की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे रीजंस आते हैं। विभिन्न प्रकार की जो थ्योरीज वीडियो बनाई गई हैं इन सभी की, आप उन्हें जरूर देखिए ताकि पूरी जानकारी को हासिल कर सकें। और जो चौथी दिव्यांगता या क्षमता है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसका मतलब है कि बहुनिष्क्तताओं यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का अर्थ है दो या अधिक निष्क्तताओं का संयोजन है, जैसा असक्तताओं वाला व्यक्ति या उस तरीके का व्यक्ति। देखिए दो या उससे अधिक जब समस्या होती है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में देखते हैं। अध्याय 2 में राष्ट्रीय न्यास के गठन से संबंधित जानकारी दी गई है, उसके जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल ट्रस्ट इज गिवन इन चैप्टर 2 देखते हैं हम। पहला पॉइंट के अंतर्गत है कि इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, सदस्य कौन कौन से होंगे देखते हैं हमारे पास। इसमें पहला है कि एक चेयरमैन होगा, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि 9 सदस्य 3 गैर सरकारी संगठन और अभिभावक संघ से होंगे, 9 सदस्य होंगे जो कि 3 गैर सरकारी संगठन व अभिभावक संघ से होंगे। अभिभावक मतलब जो पेरेंटल एसोसिएशन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के संघ बन जाते हैं बच्चों के, तो उनके सदस्य होंगे। नेक्स्ट है मंत्रालयों तथा विभागों से 8 सदस्य होंगे, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो डिपार्टमेंटल होते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी रिलेटेड, क्योंकि अगर उनसे रिलेटेड जुड़ेंगे तो ही तो काम कर पाएंगे। अगर सामान्य व्यक्ति को जोड़ देंगे तो उसको तो सीखने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उनको भी विभिन्न प्रकार के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए ताकि अपडेट होते रहें। और नेक्स्ट है कि 3 व्यक्ति
औद्योगिक क्षेत्रों से होंगे, बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से होंगे तो थोड़ा बहुत किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको उद्योग के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए गंभीर विकलांगताएं जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उनसे मदद मिलती है, उन क्षेत्र से भी रिलेटेड होते हैं तो बेहतर होता है। अब देखते हैं चैप्टर 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में क्या कहा गया है कि न्यास के उद्देश्य की बात की गई है। अध्याय 3 में न्यास के उद्देश्य की बात की गई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। न्यास के उद्देश्य निम्न अनुसार हैं, देखिए पहला है कि निःशक्तता वाले लोगों को समर्थ और सशक्त बनाना। बिल्कुल, निःशक्तता का मतलब क्या है? जो चार प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी प्रकार की दिव्यांगताओं को सशक्त बनाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें चार प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी लेते हैं, तो यहां पर निःशक्तता का मतलब सभी नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना कि वे अपने परिवारों के साथ समर्थ रूप से रह सके। बिल्कुल, इस तरीके की सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब सहायता बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है, उनको फिजिकली, उनको मेंटली, उनको किस तरीके से थेरेपी रूप में किस तरीके से देना है, वो पूरी तरीके से सहायता प्रदान करना, चाहे वो अच्छा सिचुएशन की हो, चाहे अच्छे टूल्स या असिस्टिव डिवाइसेस की हो, सब कुछ समर्थ बनाना। नेक्स्ट है पंजीकृत निःशक्तता वाले व्यक्तियों को परिवार में संकट की अवधि के दौरान जरूरत आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना। जो पंजीकृत निःशक्तता वाले व्यक्ति हैं उनके परिवार में, मतलब परिवार में कोई संकट आ गया तो सोचिए परिवार को भी ये सहायता देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर परिवार चला गया तो फिर उसकी देखभाल तो करेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी लेता है परिवार की भी, क्योंकि बच्चे की देखभाल जितना अच्छा माँ बाप कर सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए ये माता पिता को भी स्वस्थ रहने, उनका भी सहयोग करने की पूरी तरीके से जिम्मेदारी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिव्यांगों की समस्याओं का निपटारा या निपटान करना जिन्हें परिवार से सहायता नहीं मिलती है, यानी कि बहुत सारे देखिए बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर माता पिता अपने बच्चों को एक्सेप्ट करे, मीन्स अगर वो इन चार प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित है तो सीधी सी बात है बहुत सारे हो सकता है कि माता पिता एक्सेप्ट ना करें, तो वो जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से ये सहायता करता है, इनका निपटान करता है, इनकी प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करके इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है, इनकी सुरक्षा देखता है। नेक्स्ट है संरक्षकों या माता पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसको संरक्षण का अधिनियम कहा जाता है, सुरक्षा का अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में इसकी बात कही गई है, और किसी अधिनियम में ऐसी बात नहीं कही जाती है कि अगर उनके माता पिता की डेथ हो गई तो उनका संरक्षण करेंगे, बिल्कुल नहीं कही जाती है, क्योंकि ये गंभीर समस्याएं हैं इसलिए इनका जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संरक्षकों और न्यासिकों की नियुक्ति के लिए क्रियाविधि तैयार करना। आखिरकार किस तरीके से हम जो गार्जियंस होंगे, जो ट्रस्टीज होंगे, किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, इसकी भी तैयार करना। नेक्स्ट है पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा, प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं ना, देखिए ऐसा नहीं कि केवल सुरक्षा देते रहो, उनका डेवलपमेंट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी करवाते हैं, एजुकेशनल हो, एम्प्लॉयमेंट हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सारी एक्टिविटीज भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उनको रख लिया गया, एक रूम में बंद कर दिया गया, खाना पीना दे दिया गया, कपड़े लत्ते दे दिया गया, बोले सो जाओ, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि केवल यही उनके लिए व्यवस्था नहीं है। अब हम देखते हैं अध्याय 4 में किसकी बात करता है, बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य, यानी कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड। अध्याय 4 में देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा, यानी कि 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करना ये बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य है। सेकंड है कि अक्षम महिला, गंभीर रूप से अक्षम व्यक्ति तथा अक्षम वरिष्ठ नागरिक को प्राथमिकता प्रदान करना। तीसरा है अक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति से सहायता के रूप में चल की संपत्ति प्राप्त करना। होता क्या है कि जैसे अक्षम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है तो किस तरीके से उनको प्रॉफिट होगा, कैसे, तो कैसे उनको रिसीव करेंगे हम चीज़ों को, कैसे उनको बेनिफिट देंगे, कैसे उनको असिस्टेंट देंगे, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यास द्वारा, यानी कि नेक्स्ट अध्याय नहीं है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है उसी का, राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम जो दिव्यांग के स्वतंत्र जीवन यापन को बढ़ावा दे उन्हें निम्न रूप से सफल बनाना। निम्न रूप से कैसे? पहला है समुदाय में आत्मनिर्भर जीवन यापन, यानी कि सेल्फ सफिशियंट लिविंग इन द कम्युनिटी। उन्हें ऐसा बनाना कि वो स्वयं से जीवन यापन कर सके, ऐसा नहीं कि हमेशा उनको सिर पे बैठा के रखना है। भैया संरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उन्हें ले लिया और पूरी तरीके से गोद में लेकर जीवन भर टहलेंगे। उनका डेवलपमेंट करना जिम्मेदारी है, उनका संपूर्ण विकास करना जिम्मेदारी है, ताकि फिर से वो समाज में रह सके। अदरवाइज फिर से वो सेग्रीगेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि समाज को समावेशी बनाना। नेक्स्ट है कि सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। सहायक मतलब अनुकूलित, या यूं कहें कि सपोर्टिव। नेक्स्ट है परिवार को परामर्श तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब तक परिवार को परामर्श नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम बच्चों को एक्सेप्ट करें या इनका भी जिम्मेदारी ले सकते हैं या इनको भी हम पढ़ा लिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वयस्क प्रशिक्षण केंद्र बनाना, क्रिएटिंग एडल्ट ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट है संरक्षकत्व के लिए स्थानीय समितियों का गठन करना, जो लोकल लेवल कमेटीज़ होती हैं, गार्जियनशिप के लिए भी फॉर्मेशन करना इस चीज़ का। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह का गठन करना। अब अध्याय 5 की बात करते हैं, चैप्टर। तो इसमें है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यानी कि पंजीकरण की प्रक्रिया चलती है इसमें। अब इसमें देखिए क्या कहता है। पहला है कि विकलांग कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन बोर्ड से पंजीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए। नेक्स्ट है दिशा निर्देशों के आधार पर उनकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट है जांच के आधार पर मान्यता स्वीकृत अथवा अस्वीकृति की जाएगी। अब हम अध्याय 6 की बात करते हैं, चैप्टर 6, जो कि लोकल लेवल कमेटी की बात करता है, जो स्थानीय स्तर की समिति की बात करता है। इस अध्याय के तहत एक स्थानीय स्तर समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे। पहला पॉइंट है कि सरकारी प्रतिनिधि जो कि कम से कम जिला मजिस्ट्रेट स्तर का हो उसे रखा जाएगा। दूसरा पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डिसेबिलिटी फील्ड में ध्यान रखें। तीसरा अक्षमताग्रस्त व्यक्ति, इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अक्षमताग्रस्त व्यक्ति जो होगा वो भी इस समिति का जो सदस्य बनेगा, लेकिन उस समय वो समिति से रिलेटेड हो, उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसमें 3 माह में 1 बार बैठक होगी। इसका मुख्य कार्य संरक्षक की नियुक्ति, कार्य उसको हटाना आदि शामिल है। संरक्षक मतलब जो एक प्रकार का गार्जियन से रिलेटेड होता है, नेक्स्ट अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 7 यानी कि जवाबदेही और मॉनिटरिंग, निगरानी करने से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, पहला पॉइंट है कि इस अध्याय में पंजीकृत संगठन के उत्तरदायित्व तथा निरीक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं। दूसरा पंजीकृत संगठन के मूल्यांकन के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि जो पंजीकृत संगठन का मतलब होता है जो इस क्षेत्र में काम करेंगे इन डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उनके संगठन का मूल्यांकन करना कि किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे, क्या मानक होगा, उनके जो मानक है उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। नेक्स्ट है पंजीकृत संगठन द्वारा वार्षिक आम सभा के निर्देश भी दिए गए हैं, जो 6 माह के अंतराल में होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, जब तक जनरल मीटिंग नहीं होगी तब तक पता नहीं चलता क्या डेवलप हुआ, क्या बना, क्या नहीं बना, इनके लिए क्या किया गया, कुछ अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। अब हम अध्याय 8 की बात करते हैं, चैप्टर 8, जो कि वित्त लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित है, जो कि फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट से संबंधित है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस अध्याय में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का लेखा व लेखा परीक्षण तथा अनुदान के बजट को बताया गया है। और अध्याय 9 में क्या कहा गया है, नेक्स्ट है ये सरकारी नियंत्रण यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि इस अध्याय में राष्ट्रीय न्यास बोर्ड सरकारी निर्देश के अंतर्गत कार्य करेगा। दूसरा है इसमें केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने, बोर्ड के अधिक्रमण करने व आय पर छूट देने आदि शक्ति प्रदान की गई है, तथा सरकार का निर्णय अंतिम माननीय होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे 9 अध्याय हैं इसके अंतर्गत,
ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसमें क्या कहा गया है, एक एक आपको समझाया गया है। आई होप कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियोस आपको एक व्यवस्थित तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।